नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी तो सभी ने बनाई होगी, पर आज हम आपको झटपट से बनने वाली साबूदाना की खिचड़ी आपको बताएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम साबूदाना लिया है, उसे करीब हमने एक से दो बार पानी से अच्छे से हमें धो लेना है, फिर इसका सारा पानी निकाल देना है। फिर इसमें हमें डालेंगे 1/3 टेबल स्पून हम यहाँ पे शुगर डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पे सॉल्ट, साथ में 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा करीब 1/2 कप पानी डालकर हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो आज हम साबूदाना की खिचड़ी यहाँ जो बना रहे हैं वो हम स्टीम करके बनाएंगे और इस तरीके से बहुत ही जल्दी बनती, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी जब बनानी होती है तो हमें उसे भिगोना पड़ता है। सूखी वाली अगर हम बनाते हैं, जो ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो आज हम झटपट से बताएंगे कैसे बनेगी, ताकि आप लोग इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर खाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर में। इस तरीके से हमें ढककर रखना है करीब 20 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसे आप ढक कर ही रखिएगा। अब यहाँ पे हम फाइनली बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पैन में हमने करीब 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और अगर आप ब्रेथ में भी खाना चाहते हैं तो आप इसे ब्रेथ में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यहाँ पे हमने करीब 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च डाली हैं, और फिर इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू जो मैंने पहले से उबाल के रखे थे, उसे कट करके रखा था। अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है तो आप आलू को छोटे छोटा कट कर लीजिए समोसे की तरह, और उसे तेल में करीब आप 5 मिनट के लिए इस तरीके से पकाइए। वो भुंज भी जाएगा और साथ में अच्छे से पक भी जाएगा, तो उससे भी साबूदाना की खिचड़ी जो होती है बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे हमने आलू को भूंज लिया है, फिर साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं साबूदाना जो हमने जिसे स्टीम किया था, उसे डालकर हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें नमक दोबारा नहीं डालना है, क्योंकि हमने स्टीम करने पे डाला था, तो हम यहाँ पे दोबारा सॉल्ट नहीं डालेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे मूंगफली, जिसे हमने रोस्ट अच्छे से कर लिया था, फिर इसका एक फाइन पाउडर बना लिया था, और यहाँ पे करीब 3 टेबल स्पून हमने डाला है 250 ग्राम साबूदाना में। तो इसे डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि साबूदाना में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप ऐसे ही भूंज कर कूट के डालना चाहते हैं दरदरा तो डाल सकते हैं, और पाउडर डालते हैं तभी बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में सब मिलाने के बाद ऊपर से हम डालेंगे करीब 1 नींबू का रस पूरा, साथ में हरी धनिया चॉप की हुई, फिर इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप साबूदाना की खिचड़ी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं तो कहती हूँ हफ्ते में एक बार कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में इसे लेना बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैंने तो बना लिए, आप लोग कब बना रहे हैं? और इसे आप लोग बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।